लंबे समय तक स्वस्थ बने रहने के लिए अपनाएं ये आयुर्वेदिक नुस्खे। आयुर्वेदिक नुस्खे हमें ना सिर्फ लंबे समय तक हेल्दी रखते हैं बल्कि कई बीमारियों से भी बचाते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ नुस्खों के बारे में जानेंगे जिन्हें जितना जल्दी अपना लें उतना ही बेहतर है। नंबर एक, सुबह की शुरुआत गर्म पानी के साथ करने से पेट अच्छी तरह साफ हो जाता है और पेट अच्छी तरह साफ होने से कई परेशानियां दूर रहती हैं। नंबर दो, दिन में एक बार काढ़े का सेवन करना भी बेहद फायदेमंद है। काली मिर्च, अदरक, तुलसी, अजवाइन युक्त काढ़ा सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं दूर करता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। नंबर तीन, नाश्ते में तली भुनी मसालेदार चीज़ें खाना अवॉइड करें, इससे एसिडिटी हो सकती है। इसकी जगह फल, जूस, पोहा, स्प्राउट्स वगैरह को ब्रेकफास्ट में शामिल करें। नंबर चार, खाना खाने से कम एक घंटा पहले गुनगुना पानी पीने से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है, लेकिन तुरंत पहले और तुरंत बाद पानी कई मायनों में नुकसानदायक होता है। नंबर पाँच, दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन को अच्छा रखते हैं। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए दही का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर छः, खाना खाने के तुरंत बाद नहाने की ही आदत जो है इसे बदल लें, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद नहाने से पाचन का प्रोसेस स्लो हो जाता है जिससे पेट भारी भारी लगता रहता है और गैस एसिडिटी भी हो सकती है। नंबर सात, अंकुरित भोजन का भी रोजाना सेवन करना चाहिए, इससे भी डाइजेशन सही रहता है। कब्ज, मोटापा, डायबिटीज जैसी कई परेशानियां पास भी नहीं भटकती। नंबर आठ, रात को भोजन जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा, मतलब खाने और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। नंबर नौ, सोने से पहले पैरों और पिंडलियों में नारियल या सरसों के तेल से 3 से 5 मिनट मालिश करें, इससे नींद अच्छी आएगी और तलवों पर मालिश से चेहरे पर भी रौनक आती है। नंबर 10, सेहत के साथ अच्छी नींद के लिए गुनगुना दूध पीकर सोएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।